Hi viewers, hope you are fine. It's me Zafar and you are watching CamScope. Topic to be discussed, as we have mentioned before, electrophilic patterns of electrophilic substitution reaction we have discussed just now. Now इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की हम बात करते हैं. बेसिकली देखें अगर आप तो बेंजीन के ऊपर हर जगह पे यानी हर कॉर्नर पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ठीक है. तो हम कहते हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बड़ा कम है. कार्बन का 2.5 है, हाइड्रोजन का 2.2 या 2.1 है, ठीक है, या 2.2 कहते हैं. ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. तो ये हमें कोई इसको हमने बेसिकली तो ना देखो सब्स्टिट्यूशन हमने हाइड्रोजन की करवानी होती है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के साथ. वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा. इसलिए हमने पिछले रिएक्शन में देखा था कि हमने FeX आयरन को X के साथ रिएक्शन करवा दी यानी हैलोजन के साथ FeX3 पैदा किया और लेटर ऑन हमने FeX3 को एक और हैलोजन के साथ रिएक्ट करवा के तो FeX4 और X पॉजिटिव ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है. याद रखिएगा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है जो कि हाइड्रोजन को निकाल बाहर करेगा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैलोजिनेशन. अब वही बात रिप्लेसमेंट आप कहो या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, बाय हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, इज कॉल्ड हैलोजिनेशन. आमतौर पे हैलोजिनेशन के लिए हम आयरन हैलाइड इस्तेमाल करते हैं या फिर एल्युमिनियम ट्राई हैलाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. या आप जस्ट आयरन पाउडर ले लो, सनलाइट की मौजूदगी में वो क्लोरीन वगैरह के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ब्रोमीन के साथ और आयरन हैलाइड बना लेगा. तो यहाँ से हम अपना कह लें कि इलेक्ट्रोफाइल पैदा कर लेंगे. हमारा बेसिक रिएक्शन ये है कि हमने बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन को लेट से ये वाला हाइड्रोजन को हर कार्बन पे एक वैसे तो हाइड्रोजन है तो हम इसका रिएक्शन करवा दें क्लोरीन के साथ तो ये क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए. मैं अपना एक्चुअल रिएक्शन लिख रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्लोरीन लग जाए और हमारे पास ये वाला H और एक इनमें से Cl या मैं इसको U अगर लिख लूँ Cl तो ये दो HCl बना दें और एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाए. या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी ब्रोमिनेशन करवा दूँ. इनमें से हम एक रिएक्शन अभी एक उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि ये हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिप्लेस हो जाए, ठीक है. तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बन जाए. ये हमारा मकमा नज़र है, ये हम करवाना चाहते हैं ब्रोमिनेशन प्लस HBr. तो ये हम हैलोजिनेशन करवाना चाहते हैं. अगेन हम ये मैंने पैटर्न रिएक्शन लिखा तो अब आप देखो आप आयरन या एल्युमिनियम का ट्राई हैलाइड तैयार कर लो. अगर आप आयरन हैलाइड नहीं भी लेते तो आयरन पाउडर ले लो. अब इस रिएक्शन का हम देख रहे हैं मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में जिस बात पे हमने जोर देना है वो है बच्चों हमारा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सिंपल हैलोजिनेशन रिएक्शन अभी आपके सामने होगा. ये देखो आयरन पाउडर लिया हमने, इसका रिएक्शन करवाया. अब हम डायरेक्ट क्लोरीन के साथ करवा देते हैं, ठीक है. क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये FeCl3 बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 2Fe तो इसको मैंने बैलेंस कर लिया FeCl3. लेटर ऑन आपका FeCl3 रिएक्ट करेगा एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ सनलाइट ही की मौजूदगी में. यू विल गेट FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव. ये क्या है क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आईयूएम कम्स आफ्टर, किसके नाम के एंड पे आता है? एट द एंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्लोरोनियम आयन पैदा हुआ, ठीक है। तो ये क्लोरोनियम आयन अब आपका दैट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। ये दो बार आप हमेशा बेंजीन के इस तरफ रखो, स्पेशली मैं अगेन कह रहा हूँ वीक स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ये एक बार इस तरफ रखो। अब आप क्लोरोनियम आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन की शीट पे अटैक करेगा। डायरेक्शन हालांकि मैंने इस तरफ कर दी क्योंकि इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव हमने जाना होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो तो ये वैसे का वैसा अगेन मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। तो ये दो बॉन्ड अपनी जगह पे हैं और ये वाला क्लोरीन के साथ यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं। क्लोरीन इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव एच और यहाँ इस कार्बन पे क्योंकि कम है एक इलेक्ट्रॉन हम पॉजिटिव डाल रहे हैं। दिस इज कार्ड बेंजीनोनियम आयन, आप इसको कह लो। अच्छा, ये स्टेबल नहीं है। अच्छा, लेटर ऑन हम कहते हैं कि ये वाला आयन जो है इसके ऊपर अटैक करवाने जा रहे हैं हम FeCl4 का। नो FeCl4 इज एक्टिंग लाइक ए बेस, यानी प्रोटॉन इसने रिमूव करना है, ये पॉजिटिव प्लस योर FeCl4 नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव है हाइड्रोजन, इस पे आप अटैक करवा दो और इसके इलेक्ट्रॉन हमने वापस भेज दिए। क्यों? बेंजीन अपनी करेक्टरिस्टिक जो इसकी स्टेबिलिटी है उसको लूज नहीं करना चाहता। हालांकि आप कहते हैं यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आप हैलोजन दे दें। इन कंडीशन में हम हैलोजन यहाँ पे नहीं दे रहे, बल्कि हैलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो अब आप देखो नेक्स्ट आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है ब्रोमोबेंजीन है, सॉरी क्लोरोबेंजीन बना आपके पास। ये दो बॉन्ड अपनी जगह पे हैं, ये बॉन्ड इधर चला गया, प्रोटॉन को यहाँ से एक क्लोरीन लेके HCl बनेगा प्लस आपके पास जो बचेगा दैट इज FeCl3, वो चीज़ जो रिएक्शन में हिस्सा ले लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन एज सच निकल आए, दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। तो इसी तरह आप इसकी ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हो जिस तरह से आपने क्लोरीनेशन करवाई है। अब जरा देखो इन रिएक्शन में अगर आप फ्लोरिनेशन करवाना चाहते हो तो फ्लोरिनेशन जो है वो विगरस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हम आमतौर पे नहीं करवाते, तो फिर हम क्या करवाते हैं? यही क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन जो हैं दो मॉडरेट किस्म के रिएक्शन हैं, ये हम करवाते होते हैं ये वाले दो। जबकि आयोडिनेशन के केस में भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता रीजनेबल, तो ये भी हम नहीं करवाते। दिस इज़ हाउ कि आप हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करवाते हो। व्हाट इज़ हैलोजिनेशन? इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन इनटू द बेंजीन रिंग या रिप्लेसमेंट ऑफ या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो ये हमने इसके रिएक्शन लिखे हुए हैं जो एक्चुअल हैं, फिर हमने इनका ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।